ज़्यादा कितने अरसे रहा बैंड टुगेदर? आई थिंक इट वाज़ फॉर गुड 3-4 इयर्स. और कितना म्यूजिक बनाया साथ? कह लें कि वी ऑलमोस्ट मेड 6 to 7 सॉन्ग्स टुगेदर. और फिर अलग क्यों हो गए? अलग क्यों हो गए, इसके बहुत सारे रीजंस थे. सिलसिला ये था कि मेरा जो भाई था बेसिकली ही वाज मैनेजिंग अस, और ये भी ही वाज मैनेजिंग अस क्योंकि ही वाज वर्किंग फॉर अ मार्केटिंग कंपनी एट दैट पॉइंट टाइम. और हमने जो मेरी बात हुई थी गौर से, मैंने उसे कहा कि यार क्या करना है, आई थिंक पीपल हैव रियली स्टार्टेड कॉलिंग अस अप नाउ, दे रियली वांट अस, हमें शोज करने चाहिए, अब क्या करना. कहते हैं हाँ ठीक है, अपने ऐसा कर, अपने बेशक अपने भाई से बात कर ले, बिकॉज आई थिंक ही यू नो वर्क्स फॉर मार्केटिंग कंपनी, तो उससे बात कर ले. तो मैंने बात की, उसने कहा ठीक है, आई लीव माई जॉब बिकॉज इट्स क्वाइट अ थिंग, आई थिंक फुल टाइम जॉब है तुम लोगों की, तो पैसे तुम लोग जब कुछ बनोगे तब बात करते बोले. तो यू लाइक या दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स फाइन. सो ही वाज देयर टू. अब वो उसने मैनेज करना शुरू कर दिया काम. एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स यू नो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि ही केम अप टू मी एंड ही सेड कि यार आई थिंक हम लोग इस तरह साथ काम नहीं कर सकते, क्यों क्या हुआ, वजह क्या हुई, व्हाई यू बिहेविंग लाइक दैट. मेरा भाई भी मैनेज करेगा, तुम्हारा भाई मैनेज कर रहा है तो मेरा भाई भी मैनेज करेगा. मैंने कहा टेल मी वन गुड रीजन. So I kind of got to know that. ये पता चला कि तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसे जाएंगे और मेरे घर में कम पैसे जाएंगे. It was about that then. So I felt really, I mean, I got ticked off. मैंने कहा ये कैसी बात है? अब भाई ने जो था उस वक्त अपनी जॉब छोड़ी थी, मैं भाई को क्या बताता, मैं उसको क्या कहता कि यार क्या करें. तो मैंने भाई को इस तरह से बताया. सो ही सेड कि यार अच्छा चलो ठीक है, I think I don't know what to do right now. अब मुझे तो नहीं पता तुम लोग क्या चाहते, but इससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे बुरी लगी थी, जो अजीब लगी थी, मैं अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से काम जो है वो साथ होना चाहिए और हो जाए तो अच्छी बात, क्योंकि मैं I'd be the last person जो कि किसी से नाता या ताल्लुक तोड़ता है. मैं जोड़ने में पहल करता हूँ, मैं तोड़ने में कभी पहल नहीं करता, किसी से ताल्लुक तोड़ने में कभी पहल नहीं करता. आई बी द लास्ट पर्सन. सो व्हाट हैपेंड वाज के देयर वाज अ शो जिसकी क्यूरी जो थी, अब इस वक्त मेरा भाई मैनेज नहीं कर रहा, उसने छोड़ दी, उसने वापस अपना ऑफिस का काम शुरू कर लिया. मैंने शुरू किया, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी देयर इज अ कॉन्सर्ट व्हिच इज हैपनिंग ऑन दिस डेट. सो अब 2 महीने से हम लोग बात नहीं कर रहे आपस में. आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड लिसन यार इस तरह से कुछ अलग अलग होगी, कुछ नहीं होगा, लेट्स वर्क टुगेदर, देयर इज अ क्यूरी ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ, लेट्स रिहर्स एंड लेट्स प्ले. ही केम 2 days फॉर द रिहर्सल्स, ही वाज देयर, ही वाज रिहर्सिंग विद मी. द 3rd डे ही सेज कि यार पैसे कहाँ. आई वाज लाइक I have not received anything yet, but जब मुझे मिलेंगे मैं तुझे ज़रूर दूंगा. अच्छा अगर ऐसी बात है यार तो ठीक है. आई थिंक ऑन द सेम डे मुझे ना कराची से एक टेलीविजन शो की ऑफर हो रही है, वो लोग जल को बुला रहे हैं, तो मैं तो जल को रिप्रजेंट करने जा रहा हूँ उधर. क्या हाउ कैन यू गो लाइक दैट, मतलब अब मैंने कमिट किया और मैंने तुझे पहले बताया था, पोस्टर्स छप चुके हैं, अब ये सब कैसे होगा, नहीं तो सारा बर्डन मेरे पे आ जाएगा. कहते यार तू देख ले क्या तुझे क्या करना, मुझे लगता है बैंड के लिए टीवी कवरेज ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे समझ आ गई कि कुछ ब्लैकमेल करने का सिलसिला था कि यार यू नो गिव मी द मनी. आई डिडंट हैव द मनी ऑफकोर्स, अगर मेरे पास उस वक्त होता कुछ मैं उसको ज़रूर दे देता. So at the end of the day, what happened was that you know I figured out that ये 2 से 3 दिन तक जहाँ पे नहीं आएगा, I'll have to do this on my own. कर कर आके मैंने बच्चों के साथ रिहर्स करना शुरू किया, you know गाने सिखाए उनको and all of that. इसमें मैंने रिहर्स किया. पता चला कि वो गया उस चैनल पे, उस टीवी चैनल पे,
और उस टीवी चैनल पे जाके उसने उनको ये बताया कि मेरे घर में डेथ हुई है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सो आई रिसीव अ कॉल ऑन माय लैंडलाइन, आई पिक अप द फोन एंड ही गोज, मैं अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ, नो एक्सपोजर ऑफ मी एवर टॉकिंग टू नो अहमद अली भट्ट, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं होती, अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ, क्या आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? सो आई टू प्रूव माई, आई टू सिंग अ सॉन्ग टू प्रूव हिम कि मैं बात कर रहा था। सो वेदर इट वॉज अहमद अली भट्ट और इट वॉज समवन फ्रॉम देयर चैनल जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव था, मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इस तरीके का ये वाला सिलसिला है, ये बंदा जो हमारे सामने बैठा है, ये आपके जो गिटारिस्ट है, ये मैं कह रहा है कि आपके घर में क्यों डेथ हुई? मैं कि जी आई एम सॉरी गॉड फॉरबिड, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं, ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ये झूठ बोल रहा है आपसे, ये सच नहीं बोल रहा, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, सब खैर, फोन बंद। So basically he went there for a representation and he lied to them because obviously they were asking him band member kahan hai band member and who's you know lead singer kahan hai jisne gana gaya hai wo kidhar hai to usne kaha ke uske ghar mein death hogi wo nahi aa sakta unhone confirm kiya nahi so probably they took the tickets away from him the hotel and all of that कि आपने हमसे झूठ बोला है तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, हमारा तो इतना खर्चा हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाटएवर मस्ट हैव हैपेंड आई डोंट नो बट ही लाइक टू मी। और फिर सिलसिला ये हुआ कि वो जो कॉन्सर्ट था, जो लाहौर का जो कॉन्सर्ट था, आई हैड टू डू इट मायसेल्फ, आई डिड इट मायसेल्फ, इट वाज अ सक्सेस एंड फ्रॉम देयर आई डिसाइडेड दैट आई वोंट बी वर्किंग विद हिम। So, जल किसका था फिर? अब आप कॉपीराइट की बात करें, हाँ, so basically, unfortunately, इस मुल्क में कॉपीराइट एक्ट जो है, हाँ, वो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, हाँ, तो फाइल्स होते गए, केसेस होते गए, अजीब बात यह है दोनों की एल्बम रिलीज हुई, दोनों की एल्बम में सेम गाने, और ये कहीं नहीं हुआ पूरी दुनिया है ना, वो जल अनजल पर ही हो गया। और मैंने अपने नाम से उसको करना शुरू कर दिया, मैंने कहा कि यार अगर मेरे अंदर सच्चाई है और मेरे अंदर वो पैशन है और मैं अगर सच पे खड़ा हूँ तो मुझे इस नाम की जरूरत नहीं, मेरा जो काम है वो बोलेगा। आप एक कहीं इकट्ठे भी हुए थे आप? हम लोग बल्कि फरहान आप और बिल्कुल हुए थे। It's just that मुझे ये लगता है कि वक्त एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है, शायद इंसान को। सो व्हेन यू मेट क्या हुआ, क्या उसने व्हाट डिड ही से, क्या हुआ था, डिड यू आस्क हिम कि ऐसा क्यों किया? ओके, ही रिग्रेटेड इट, ही रिग्रेटेड इट एंड ही सेड, व्हेन आई आस्क्ड हिम ही सेड आई मिस हिम, या ही मिसेस यू, या नो आई मीन हां ही इज अ ग्रेट प्लेयर, सो मुझे उसके साथ म्यूजिक करने में बहुत मजा आता था। और जब उसने आके ये मुझसे कहा कि यार आई रिग्रेट इट कि यार इस तरह से ये हुआ था और इस तरह से, आई फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड बिकॉज मुझे ये लगा कि यार मैं उसको समझाया भी था, मैंने उसको बताया भी था कि जो इकट्ठे काम करने में मजा आएगा उसका उसकी बात कुछ अलग ही होगी, ठीक है, और जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, किसी को इस चीज़ के बारे में, किसी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ सुनना नहीं चाहेगा। सो क्योंकि आई थिंक जवानी में वो
होती है ऐसी सर फिरी है ना, यू मेक मिस्टेक्स बिकॉज उस वक्त आप करेक्ट एंड आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, इट्स ऑलराइट, ही वांटेड टू यू नो डू हिज ओन थिंग एंड इट्स ऑलराइट, सो करना चाहता था वो कर रहा है, आई मीन माशाल्लाह से ही इज वर्किंग वेल फॉर हिमसेल्फ.